बाद तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में चर्बी की मिलावट वाले विवाद की, जिस पर हो रही राजनीति का दायरा भी बढ़ गया है। बीजेपी से आस्था से खिलवाड़, तो कांग्रेस जानबूझकर खड़ा किया गया मुद्दा बता रही है। इस बीच प्रसाद विवाद में केंद्र सरकार की भी एंट्री होगी, जो बालाजी के लड्डू प्रसाद की जांच खाने पीने की चीजों के मानक तय करने वाली एजेंसी FSSAI से कराने जा रही है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल की खबरों ने देश भर में खलबली मचा दी है। श्रद्धालु हैरान हैं कि आखिर लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल कैसे हुआ। हम लोगों ने लड्डू बिल्कुल नहीं लिया, 10 लड्डू हर बार लेके जाते थे, इस बार ट्रैवलिंग के साथ जो एक लड्डू मिलता है बस वही एक लड्डू लिए। पूरे मामले की जाँच पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। अब राज्य सरकार की तरफ से कराई गई जांच की रिपोर्ट की FSSAI की तरफ से छानबीन होगी। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है, इसीलिए हर राजनीतिक दल के नेता कुछ भी कहने से पहले सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन सियासत भी अपनी चाल में चल रही है। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी के तो साथ थे जगन रेड्डी और अब चंद्रबाबू नायडू जी भी इन्हीं के साथ हैं, तो बीजेपी क्या भाषण दे रही है हमको, कहिए ना तुरंत एक्शन लें, क्यों बैठे हैं, माहौल बिगड़ने की इंतजार कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष YS शर्मिला ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। वी हैव आल्सो रिटन टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह डिमांडिंग फॉर अ CBI इंक्वायरी इनटू दिस मैटर। तेलुगु देशम पार्टी ने YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी का सीधा आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट में पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी के संबंधियों की बड़ी भूमिका रही है और इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते। दोनों चेयरपर्सन है, दोनों भी जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार है। हम लोगों ने पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर समग्र विचारण होना चाहिए। बीजेपी लगातार ये आरोप दोहरा रही है कि मंदिर ट्रस्ट में दूसरे धर्मों के कुछ लोगों को जगह दिए जाने की वजह से ये घटना हुई है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना ये अक्षम अपराध है। पिछली सरकार के समय में TDD बोर्ड में कर्मचारियों को नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया। लगातार गर्माते विवाद के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की सफाई सामने आई। We don't have any internal lab to test adulteration. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. लड्डू विवाद पर अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा CM चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नायडू पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं, मैं देश के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं उन्हें बताने वाला हूं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।